हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र स्थान है और नासिक से 30 किलोमीटर के दूरी पे है। आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए नासिक से कोई भी बस मिल जाएगी ओनली 50 रुपीज चार्जेस में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है उसे त्रिमूर्ति कहा जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इसी मंदिर के कुछ ही दूरी पर कुशावर्धक कुंड है जो गोदावरी नदी का स्रोत है। इसी नदी में पवित्र स्नान करके भक्त मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप लोग बस से उतर जाते हो तो वॉकिंग डिस्टेंस के 5 मिनट्स के बाद आपको मंदिर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग वॉक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए थे। ये मंदिर का एग्जिट वे है, यहाँ से अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको कहाँ से जाना है। तो 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आपको एंट्री गेट मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे हम लोग एंट्री के साइड जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं पूजा थाली के। वहाँ पे आपको फ्लावर्स, नारियल भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए मिल जाएगा। ये है एंट्री गेट, यहाँ से आपको एंट्री करनी होगी। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे बैरिकेड्स लगाया हुआ है। ये इसके लिए है, जब भी यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है या सैटरडे संडे होता है तो बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं, तो एक लाइन से जाने के लिए ये बैरिकेड्स बनाया हुआ है। हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन सैटरडे संडे नहीं था तो बहुत रश नहीं था, इसके वजह से हम लोग को जल्दी दर्शन मिल गए थे। और यहाँ पे लाइव दर्शन हमेशा दिखाई दे जाता है टीवी पे। यहाँ पे जैसे एंट्री करने के बाद आप लोग ने जो भी नारियल या फूल लिए हुए हैं आपको यहाँ पे चढ़ावा करना होगा। ये फ्लावर और नारियल अंदर अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी फ्लावर और नारियल जो भी लिए गए थे यहाँ पे हम लोग ने चढ़ावा कर दिया था। मंदिर में फूल अलाउड नहीं है, इसकी वजह से आपको यहाँ ही सब कुछ चढ़ावा कर देना है। और मैंने जितना हो सके उतना वीडियो ले लिया है। अंदर मोबाइल्स अलाउड नहीं है, अगर आप लोग अंदर मोबाइल्स यूज़ कर रहे हो तो आपसे मोबाइल लिया जाएगा। और आप लोग बाहर आके आप लोग के वीडियोस या फोटोज ले सकते हो। जैसे ही आप लोग मंदिर से बाहर आ जाओगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मंदिर के अंदर अभिषेक चल रहा था। ये जल बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो लोग अपने पास अपने बॉटल से लेके जाते हैं अपने घर पे।
फ्रेंड्स, आप लोग को त्र्यंबकेश्वर का दर्शन लेके कैसे लगा? हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग की ट्रिप यहाँ ही ख़त्म हो जाती है। हम लोग ने 2 डेज में बहुत सारे मंदिरों को विज़िट किया है, बहुत ही अच्छा लगा और नासिक टूर बहुत ही बेस्ट था। फ्रेंड्स, आप लोग 2 डेज में बहुत सारे जगह पे घूम सकते हो नासिक आने के बाद। अगर आप लोग ने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए, और अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।